नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे क्या हमें फैट बर्न करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए फैट बर्नर लेने की जरूरत है क्या? जवाब है नहीं, हमें फैट बर्नर लेने की कोई जरूरत नहीं है चर्बी कम करने के लिए, फैट बर्न करने के लिए। अच्छा, अगर फैट बर्नर नहीं लें तो चर्बी कैसे कम करी जाए? चर्बी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है सही खाना खाओ और उसके साथ में सोने पे सुहागा बोल करके कसरत भी करो तो चर्बी कम करने में तुम्हें और आसानी हो, क्योंकि तुम ज़्यादा कसरत करोगे तो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करोगे तो तुम थोड़ा और ज़्यादा खा भी सकते हो, तो तुम अपने शरीर को वजन कम करते हुए और ज़्यादा पोषण भी दे सकते हो। तो अगर हम फैट बर्नर से चर्बी कम नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? सही खाने से और साथ में कसरत से। अच्छा यार, क्या है कि फैट बर्निंग जो है ना, जो शरीर में चर्बी जो खर्च करने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। हम बाहर से कोई चीज़ ले लें फैट बर्नर जैसी, जो अंदर जाकर के जो काम कर रहा हो, हमारे शरीर का नेचुरल काम है, वो उस चीज़ में दखलंदाजी कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके हमें नुकसान हो सकता है। जो चीज़ नेचुरल नहीं है, फैट बर्नर से फैट बर्न करना कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, हम उससे फैट बर्न कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नेचुरल नहीं है, तो हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है ना। सबसे बड़ा कारण मैं ये कहूँगा कि आप फैट बर्नर इसलिए मत लो, और फिर दूसरा कारण मैं ये भी कहूँगा कि फैट बर्नर कोई ऐसा प्रूव नहीं हुआ, ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ है कि फैट बर्नर से सही में बहुत फैट बर्न होता है, ऐसा कुछ ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, विज्ञान ने इसे कुछ सिद्ध नहीं किया। और लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपके शरीर को नुकसान कर सकता है तो मत लो, सही डाइट और एक्सरसाइज करो। स्टीरोइड्स है, लोग स्टीरोइड्स लेते हैं, मतलब ड्रग्स लेते हैं बॉडी बिल्डिंग में, उससे मसल बढ़ती है, उनकी मसल बढ़ती है, साथ में फैट भी कम होता है, लेकिन स्टीरोइड्स के अपने बहुत नुकसान है, इसीलिए स्टीरोइड्स लेना गैर कानूनी है, स्टीरोइड्स इलीगल है। स्टीरोइड्स आपके शरीर को बहुत नुकसान कर सकते हैं, फैट तो आप स्टीरोइड्स लेके बर्न कर लोगे, नुकसान होता है शरीर को, फैट बर्नर से भी नुकसान हो सकता है। और हम क्यों ले जाओ, हमारे पास उससे अच्छा तरीका है। अगर आप उस तरीके की सोच रखने वाले हो कि एक गोली खा लूँ और एकदम से मेरे शरीर का वजन कम हो जाए, फिर रोज का एक गोली खाने से 1 किलो कम हो जाए, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई ऐसी गोली कभी मिल भी गई ना, तो वो आपके शरीर का नुकसान ही करेगी, चाहे वो आपका कोई वजन कम कर दे। आज तक साइंस के पास में ऐसी कोई गोली नहीं है कि आपने एक गोली खा ली और रोज का आपका वजन कम करे जा रही है वो गोली, 1-1 किलो या आधा किलो। लेकिन अगर किसी दिन ऐसी कोई गोली बन गई ना, तो आपके शरीर का नुकसान ही करेगी, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, वो जो गोली कर रही है ना, वो आपके शरीर के लिए नेचुरल चीज़ नहीं है। तो एक शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, ऐसी कोशिश मत करो कि यार छोटा रास्ता ले लेते हैं ना, क्या फैट बर्न से फैट बर्न हो जाएगा, अपने को क्या मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिम भी नहीं जाना पड़ेगा, और जिम जाएंगे थोड़ा सा क्या जाएंगे, खाने भी कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जीभ को जो चाहिएगा वो खा सकते हैं, जीभ को पूरा आराम दे सकते हैं, ऐसा मत सोचो, तुम अपने शरीर को नुकसान कर लोगे और उस नुकसान से तुम्हें आगे कुछ हो जाए तो उससे तुम और परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा है थोड़ी सी अपनी जीभ पे बस रखो, जीभ पे कंट्रोल रखो, सही खाना खाओ और थोड़ी मेहनत करो, कसरत करो, शरीर चलते रहना चाहिए, शरीर एक मशीन है, मशीन काम नहीं लोगे तो जंग लग जाएगी, मतलब आपका शरीर बीमारी पकड़ सकता है, शरीर चलते रहना चाहिए, कसरत करो, सही खाना खाओ, वो सही तरीका है फैट बर्न करने का, चर्बी खर्च करने का, बजाय कि कोई गोली या फैट बर्नर लेने के। तो शरीर के साथ में जो भी करना है ना, वो नेचुरल तरीके से करना है, और नेचुरल तरीका फैट बर्न करने का, चर्बी खर्च करने का यही है कि सही खाना खाओ और साथ में कसरत भी करो। इस वीडियो अपने उन लोग जानकारों के साथ जरूर शेयर करना जिनको लगता है कि फैट बर्नर खाने से हम छट से फैट बर्न करके पतले से हो जाएंगे और ये वो, उनके वैन तोड़ो। और मैंने कई और अभी एक सीरीज चल रही है मेरे वीडियोस की, पहले भी मैंने डाले, आगे भी डालूंगा, ये वाले वीडियो भी है जिसमें मैं कई जो फिटनेस इंडस्ट्री के वहम है लोगों के, वो तोड़ना चाहता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करोगे तो ज़्यादा लोगों का भला हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मैं अगले वीडियो में दूंगा।